क्लास थ्री के लिए। आज हम लोग पाठ पुस्तक से अध्ययन करेंगे। इससे पीछे हम लोग व्याकरण पढ़े थे। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक ये है आप सबका किताब। जो बच्चे नहीं खरीदे हैं वे खरीद लें। आपका पहला लेसन है प्रभु हमको वर दे दो। इस कविता में बच्चे अपने भगवान से ऐसा वर मांग रहे हैं कि जिस तरह सूरज चांद हवा नदी पानी आप बनाए हुए हैं, उसी तरह आप हम सबको ऐसा निर्मल बनाए, ऐसी बुद्धि भरे, ऐसे मेधावी बनाए जिसे हम लोग किसी के आंखों का तारा बने और जग में हमारा नाम हो। इस कविता की कवित्री है इंदुमती, यहाँ लिखा हुआ है। अब हम विस्तार रूप से आप सबको अर्थ बताते हैं। सूरज को तुम चमका देते, चंदा को तुम दमका देते, मारुत बन तुम ही बहते हो, फूलों को तुम महका देते। जिस बच्चे कहते हैं जिस प्रकार आप सूरज को चमका देते, चंदा को दमका देते हैं, हवा में तुम ही बहते हो और फूलों में भी गंध तुम ही भरते हो, हे प्रभु आप हम सबको ऐसा बनाएं जो कि हम सब भी किसी के आंखों का तारा बने। बहती नदियां गहरे सागर सभी तुम्हारी ही रचना है। रचना मतलब बनाई हुई वस्तु। नीला अंबर ऊंचे गिरिवर बिना तुम्हारे है बस सपना। हे प्रभु जो भी इस संसार में है सभी आप ही का बनाया हुआ है, आपके बिना कुछ भी नहीं है। शाखाओं पर बैठे पाखी सदा तुम्हारे ही गुनगाते और तुम्हारे करुणा जल को सेवक बादल है बरसाते। शाखाओं पर जिस प्रकार पक्षी बैठकर, पाखी मतलब पक्षी, पक्षी बैठकर सदा तुम्हारे ही गुनगाते हैं और तुम्हारे करुणा जल को दयावान जल को सेवक बादल है बरसाते। नौकर जैसे सेवक मतलब नौकर बादल, जिस प्रकार सेवक बनकर बादल बरसाते हैं। प्रभु हमको ऐसा वर दे दो हम भी मेधावी बन जाए। मेधावी मतलब बुद्धिमान। दुर्गुण त्यागे गुण अपनाए आंखों के तारे कहलाए। हे प्रभु हमको भी ऐसा बना दो कि हम भी मेधावी बन जाए, बुद्धिमान बन जाए और सभी बुराइयों को त्याग कर अच्छे गुण अपनाए और सभी के आंखों का तारा कहलाए। इसी के आधार पर आप सबको शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है। मारुत मतलब हवा, गिरिवर श्रेष्ठ पर्वत, मेधावी बुद्धिमान, करुणा दया, दुर्गुण दोष बुराई। यह है आप सबका गृह कार्य जो कि पुस्तक से है। आप सबको पुस्तक खरीद लेना है और प्रश्न संख्या पहला लेसन का प्रश्न संख्या पहला क ग और घ, प्रश्न संख्या दूसरा है जो कि ख, इसको बनाकर लाना है। प्रश्न संख्या तीसरा है ख क और ख। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।